नमस्कार, ग्राम स्ट्रॉन्ग के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप फूड सेक्टर में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। आज हम वेफल्स बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। वेफल्स का क्रेज दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है और इसे काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं। वेफल्स पॉपुलर और अलग अलग तरह से यूज होने के कारण इसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। वेफल का बिजनेस चालू करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जगह का चुनाव, लाइसेंस, रॉ मटेरियल्स, मशीन, मेकिंग प्रोसेस और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जगह का चुनाव से लेकर इस बिजनेस के प्रॉफिट तक पूरी जानकारी देंगे। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जगह का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है। कॉलेज, ऑफिस, मॉल की तरह ही भीड़ भाड़ वाले जगह का चुनाव करें, ताकि आपके बिजनेस का सेल भी अच्छा हो और मार्केटिंग भी। तो अब हम बात करते हैं इस बिजनेस में लगने वाले लाइसेंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है, ये एक फूड बिजनेस है, तो इसके लिए आपको फूड लाइसेंस यानी कि फसाई लाइसेंस की ज़रूरत होगी। और अगर आप इसे ऑनलाइन में जोमेटो या स्विगी पे सेल करना चाहते हैं तो GST नंबर की भी ज़रूरत होगी। इस बिजनेस में रॉ मटेरियल की बात करें तो वेफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मैदा या आटा, उसके बाद लगता है अंडा और दूध। आप रेगुलर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध और अंडा बेसिकली वेफल के बैटर बनाने के लिए काम में आता है। वेफल जितना क्रिस्पी और गोल्डन हो उतना ही अच्छा लगता है, इसीलिए आपको बटर की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके साथ वेफल को फ्लफी बनाने के लिए बेकिंग सोडा की ज़रूरत होगी। नमक और चीनी का तो ज़रूरत पड़ता ही है वेफल्स का फ्लेवर और मिठास बनाने के लिए। और लास्ट में आता है हमारा फ्लेवर्स और टॉपिंग, जिसमें आप वैनिला, कोको पाउडर, चॉकलेट चिप, सिरप, व्हिप्ड क्रीम इत्यादि ऐड कर सकते हैं। वेफल के बिजनेस में मशीन्स का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। वेफल आयरन मशीन अलग अलग मॉडल में आती है, आप अपने डिमांड और जगह के अनुसार मशीन का चुनाव कर सकते हैं। उसके साथ आप मिक्सिंग बाउल, स्टोरेज कंटेनर, मेजरिंग कप्स अपने ज़रूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं वेफल्स कैसे बनाए जाते हैं। ये जो वेफल्स है उसमें और कुछ नहीं, फ्रेश आटे और मैदा का इस्तेमाल होता है। और इसमें क्रीम, आइसक्रीम, सिरप, टॉपिंग्स फ्लेवर के अनुसार ऐड किया जाता है। एक वेफल को तैयार करने के लिए कम से कम 15 से 20 रुपए खर्च होता है और उसी वेफल को आप लगभग 80 से 100 रुपये में बेच सकते हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो इसमें नेट मार्जिन 25 से 30 प्रतिशत रहता है। इसके लिए बहुत सारे डिज़ाइंस के टोस्टर टाइप मशीन्स आते हैं, जिसमें आपको आटा का बैटर रेडी रखना पड़ता है और जैसे ही ऑर्डर आते ही आपको मशीन में बैटर डाल देना है और आपका वेफल रेडी हो जाएगा। आप अपने मेनू में बहुत सारे वैरायटी और फ्लेवर्स का वेफल का ऑप्शन रख सकते हैं, जैसे कि क्लासिक बटर सिरप वेफल्स, चॉकलेट चिप्स वेफल, फ्रूट टॉप्ड वेफल्स इत्यादि। अब आते हैं बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो है मार्केटिंग। आप अपने बिजनेस का मार्केटिंग कैसे करोगे? आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही मार्केटिंग करनी होगी। जैसे कि ऑफलाइन में आप पोस्टर्स और बैनर पर ऑफर दे सकते हो और वर्ड ऑफ माउथ से भी मार्केटिंग कर सकते हो। ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको अपने बिजनेस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि आपके बिजनेस की जानकारी लोगों तक पहुँचे और आपका सेल बढ़े। अगर आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा और आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में दिखाए गए मशीन आप हमारे वेबसाइट में विजिट करके परचेस कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जिसे आप क्लिक करके मशीन ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही यूनिक बिजनेस आइडिया सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।